रहिए सावधान, धन जान है तो जहान है, हमारी लापरवाही कहीं महंगी ना पड़ जाए। बेफिक्रमत रहिए, अभी कोरोना गया नहीं है बल्कि फिर एक बार जोर पकड़ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 24 घंटे में बड़ा उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी अपडेट के अनुसार एक दिन में देश में 22,854 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 126 लोगों की मौत भी हुई है। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना फिर से कहर बरपाने लगा है। अगर नहीं संभले तो कोरोना के स्पेशल अस्पताल आपका इंतजार कर रहे हैं। आज ही के दिन लखनऊ में 11 मार्च 2020 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। लखनऊ में सुशांत कोर्ट सिटी स्थित डायल 112 के इंचार्ज शिवा शुक्ला के घर पर डकैती घर से नकदी और जेवरात लूट ली गए। लखनऊ में हसनगंज क्रॉसिंग पर आती ट्रेन के सामने एक युवक ने खुद को आत्महत्या कर लिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने उसे क्षेत्र में तैनात महिला एक्सपर्ट देहव्यापार में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर जान ली है। सुसाइड नोट में उसने एडीएसपी प्राची सिंह को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। युवक ने सुसाइड नोट में एडीएसपी पर झूठी देव व्यापार के धंधे में फंसाने का आरोप लगाया है। लखनऊ में परिवर्तन चौक पर एक पिंक टॉयलेट बना है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। इसके अलावा पूरे रास्ते में एक भी टॉयलेट नहीं है जबकि इस रूट में हनुमान सेतु, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत तमाम अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। तो क्या ऐसे लखनऊ स्मार्ट सिटी बन रहा? लखनऊ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा ने शहर में कई सड़कों पर बाल भिक्षु अभियान के छापेमारी की और कई बच्चों को पकड़ा। इस दौरान बापू भवन, विधानसभा के आसपास चौराहे, आईटी चौराहा आदि स्थानों पर ये छापेमारी की गई। अभियान के दौरान भीख मांग रहे कई बच्चों और 6 महिलाएं जो इनसे भीख मंगवा रही थी को पकड़ा गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण के सभी भवन एक ही रंग के पेंट कराए जाएं, जिससे दूर से ही पता चले कि यह लोक निर्माण विभाग का भवन है। उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए नए शैक्षणिक सत्र से पेरोल मॉड्यूल लागू किया जा रहा है। इससे सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सकेगा और छुट्टी में होने वाले खेल से भी निजात मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे 19 पर आज सुबह हेतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़कर गलत साइड आ गई और कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।